भी हो जिनके सामने तिजारती मशगूलियात हैं, तिजारती मसरूफियात हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि कुरान उलूम को सीखें। अगर कोई कुरान करीम के 30 पारों का हाफिज नहीं हो सकता तो क्या फिर वो एक पारी का भी हाफिज नहीं हो सकता। हमारे यहाँ एक अजीब अलमिया है बर्रे सगीर का कि या तो आपको कुरान के 30 पारों के हाफिज मिलेंगे या फिर 10 सूरतों के हाफिज मिलेंगे। मुझे माफ कीजिएगा, कुरान करीम के एक पारे का भी हाफिज लोगों को बनना चाहिए, आधे पारे के भी हिफ्ज का रिवाज लोगों में होना चाहिए। जो लोग बड़ी उम्रों के हैं, कॉलेजों में हैं, मुख्तलिफ मशगूलियात में हैं, मसरूफियात में, वो तहैया करें कि हम अगर मुकम्मल हाफिज कुरान नहीं भी बन सकते तो कुरान के बड़े बड़ी सूरतें हम याद करें, कुरान की बड़ी बड़ी सूरतों का हम हिफ्ज करें। इशा की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, फज्र की नमाज के बाद आम तौर से जो वो अमूमी मशगूलियात नहीं होती।